ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା କରୁଥିନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୋଲାର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଖାସ୍ ବରଗଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଜାଡ଼େ ଥିବାର ନୂଆପଡ଼ା ଠାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝିମିଟି ଖେଳର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବାଗିର ଗାଲି ଗୁଲଚ ନୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପବନ ସୁନି ଆର୍ ମନୋଜ ସୁନି ପିଠୁଆଁ ଉଠୁଆଁ ଭାଇ ଭିତରେ କେନ୍ସି କାରଣନୁ ଗାଲି ହେଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଦାଦା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଥିବାର ନିଜର ଗାଁକେ ଯାଇକରି ବାର ଶବ ସତ୍କାର କର୍ମା। ସେ ବାବଦେ 36,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି 18,000 ଦେମା ବୋଲି କୁହାକୁହି ହେଲେ। ପବନ ସୁନି କମ୍ ପଇସା କମଉଥିବାର ଲାଗି ଥରେ କେ 18,000 ଦେଇ ନେପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିହାରନୁ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ହେଲା ପରେ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେବାର ଲାଗି ଦୁଇ ଲୋକର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ପରା ପାଟକର ଲୋକମାନେ ବି ସେନୁ ଜମି ଗଲେ ରାଗେ। ଦାଦା ଘରେ ଥିବାର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀନୁ ଏସିଡ୍ ଆନିକରି ସାନ ଭାଇର ଦେହେ କେ ଫିକି ଦେଲେ। ମନୋଜ ଦେହ ପଡ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ାନ ଠିଆ ହେଇ କରି ଦେଖୁଥିବାର 4 ଜଣକେ ବାଜିଥିଲା। ତେହେରୁ ପରାର ଲୋକେ ରାଗେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ପିଟିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆସିକରି ତାହାକେ ଉଦ୍ଧାର କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବାର ଲୋକକୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପବନ ସୁନି ନାଁରେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 586/2021 ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଲ କୋର୍ଟର ଦଫା 307A 326 ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ SDPO ଦୀପକ କୁମାର ଗୁଚ୍ଛାଏ। ସୁଜିତ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟର, PNC ବରଗଡ଼। बहुत बहुत बेची बहुत बेची रोजा देवी सोनी सर। कारबार सर हमारा देवर का कि नहीं, मेरा ससुर खराब हुआ था ना, उसको लहास ले गया था यहाँ से कितना कहाँ में, तो वह कि नहीं बोला आप भाग दो अथी कि कुछ 18,000 रुपया 34,000 रुपया लगा है। तो हम बोले अभी मेरे को पैसा नहीं है, हम तो 3 तारीख को हम लोग घर से आए हैं, चले टिकट भी है मेरा पास में, तो क्या बोले जे नहीं अभी दो। तो घर में हम लोग घड़ी का बेटी में चांदी रहता है तो हम लोग खीन करके उसको पकाते हैं, वही एसिड ला करके ये घर में पका रहा था। उन लोग देखने जाइए सर हमारा घर में कैसे ईटा पत्थर घिंच घिंच करके पूरा मारा है, ये देखिए सर मेरा हाथ गोर कैसे हो गया है, वही मार रहा था जो वही ऐसे ऐसे मार रहा था तो ये नहीं देखा जो एसिड है उसमें, बाल्टी ऐसे उठाया तो ऐसे झीटा तो सबको पड़ गया सर, मेरा देवर पर झीट रहा था, मेरा देवर जो मनुष्य सोनी कुछ नहीं लगेंगे सर, हमारा कुछ नहीं लगेंगे, वैसे दे मेरा देवर को ऐसे जीत रहा था कि नहीं, तो वो सब ठहरा होकर के देख रहा था जो पड़ गया उन लोग को। वही पैसा का कारण, बूढ़ा को लहास जो लिया था ना तो वही लहास का 18,000 भाग मांग रहा था। मैं बोली अभी पैसा मेरे को नहीं है, नहीं अभी दो बोल करके मेरे को घर डूब करके मारा। एसिड बाहर में सब ठहरा था, वही दोनों में झगड़ा हो रहा था, वो भागा कि नहीं तो ये ऐसे झीट दिया जो उस बाहर का लोग को पड़ गया, नहीं पड़ेगा ऐसे जीतेंगे तो वहाँ पर दोनों आधे आपको जीतेंगे उसको नहीं पड़ेगा, ऐसी है। तो उन लोगों ने बहुत नाराज होकर कुछ क्या क्या मारपीट किया, तो अभी सर लोग का सामने में अभी मैं हम लोग को हस्बैंड को हमको मारपीट किया है घर खोल करके सब पब्लिक। मनोज सोनी सर, उसका बीवी का नाम लता देवी है, ये मेरा स्वामी है पवन सोनी सर। आज बरगढ़ 11 नंबर वार्ड नुआपड़ा स्थित 11 नंबर वार्ड रे दुई भाई झगड़ा होता है मनोज सोनी और पवन सोनी मध्य, एवं आमको खबर मिलला जे से भितर झगड़ा हवा पर झगड़ा भयंकर रूप नाला,
बड़ भाई पवन सोनी मनोज सोनी को रागरे एसीड मेड कले से एसीड मेडर मनोज सोनी व्यतीत पड़ोसी आउ तीन जन गीता देवी गुंठू बोई और टिंकु शर्मा एसीड मेडर शिकार होती से चिकित्सापी भीमसार बुर्ला भर्ती कर पुलिस तरफ एक क्रम मीना देवी रिपोर्ट रे मीना भोई रिपोर्ट रे आमर 586 नंबर केस 307 और 326 ए सेक्शन रे रजिस्ट्रेशन कराई एवं आक्यूज पवन भोई को पवन सोनी को उधार कर लोक मैंने पिटापिटी करते सेठू रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भर्ती कर हाँ सी एवर जहाँ चिकित्सा जहाँ आमको खबर मिलूर प्राथमिक चिकित्सा भीमसार बुर्ला चल गिरफ तो बर्तमान जे आक्यूज अच्छा स्वास्थ्यावस्था ठीक ना आम प्रथम रेस्क्यू करूँ और जेहेतु स्वास्थ्यावस्था ठीक ना से चिकित्सापी बुर्ला डक्टर रेफराल पठे आमर अनुसंधान प्रक्रिया वर्तमान सुधा जहाँ जना पड़े इटा गोटे घर कली को नहीं समस्या सृष्टि जदि या भितर आम तदन प्रक्रिया जना पड़ो जो या भितर आउ किसी कौन तथ्य अच्छे से अनुष्ठान आम आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नाम मीना भोई पड़ोसी मीना भोई रिपोर्ट में 586 नंबर टाउन पुलिस स्टेशन 586 नंबर केस रुजु कराई 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एवं 326 एसीड मर्डर सेक्शन रे आम केस करछु।